देखो बच्चों, एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया? 23। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें गिवन है, क्या गिवन है? एफ एक्स इज इक्वल टू, अरमान आज अपने अपना हल्लो नहीं बोला, साइन एक्स अपॉन एक्स। वीडियो में हमने ये भी तो नहीं कहा कि लाइक एंड सब्सक्राइब। एक्स इज लेस देन 0 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो बच्चों, कौन बता सकता है मुझे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है? साइन एक्स अपॉन एक्स एंड एक्स प्लस 1। बहुत ज्यादा है जी, टॉके नाउ, इससे बेटर नहीं लिख पाऊंगा, माइंड मत कीजिएगा। देखो बच्चों, फंक्शन की दो डेफिनेशन है। फॉर एक्स लेस देन 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स अपॉन एक्स। फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 इसकी वैल्यू क्या है? दिस एट एक्स इज इक्वल टू 0 हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस, इट मीन्स एक्स 0 से 0 को लेफ्ट से अप्रोच करेगा, और एक्स अगर 0 को लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो क्या होगा? 0 से स्मॉलर होगा। स्मॉलर होगा तो हम इसकी फर्स्ट वाली डेफिनेशन फॉलो करेंगे, ठीक है? फर्स्ट वाली डेफिनेशन फॉलो करेंगे तो एफ एक्स क्या लिखा जाएगा? साइन एक्स अपॉन एक्स, राइट? अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ एक्स को 0 माइनस एच, एज एक्स अप्रोचेस टू 0, एच किसको अप्रोच करेगा बच्चों? 0, हमेशा ये 0 को ही अप्रोच करेगा, ठीक है? मैंने तुझे आगे आने के बोला था। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 0 एच अप्रोचेस टू 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइन ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस। बताओ बच्चों क्या हो गया ये? लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन 0 माइनस एच क्या हो जाएगा? साइन 0 माइनस एच साइन माइनस एच होगा, साइन माइनस एच होगा, और साइन माइनस एच क्या होता है? माइनस ऑफ साइन। पढ़ा है ना बच्चों की साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन एच, और नीचे क्या है? माइनस एच, माइनस माइनस कट हो गया, एंड साइन एच अपॉन एच क्या होगा बच्चों? 1। दिस इज 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई? 1, ठीक है? लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई? 1। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एक्स 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा। चलो राइट हैंड लिमिट को देखो जरा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एक्स 0 से बड़ा होगा, एंड एक्स 0 से बड़ा है तो बच्चों फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? एक्स प्लस 1। सो ये क्या आ गया? एक्स को 0 डालेंगे तो ये भी बना 0 प्लस 1, दैट इज 1। अब फंक्शन की वैल्यू देखें, अगर 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होगी? एक्स अगर 0 के इक्वल है तो फंक्शन की डेफिनेशन इस यहाँ के अकॉर्डिंग फॉलो होगी, ये वैल्यू दैट इज एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 और एक्स को हमें डालना है 0, तो 0 प्लस 1 ये भी क्या आ गया? और के इक्वल आ गया, राइट? आप देखो जरा, सब इक्वल हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन 0 पे क्या है? कंटिन्यूस है, राइट? दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 0, ठीक है? अच्छा, 0 से लेस की अगर हम बात करें
फॉर एक्स लेस देन जीरो, फॉर एक्स लेस देन जीरो। बच्चे ध्यान से देखो, जीरो से लेस अगर डिस्कस करना पड़ जाए हमको, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है जीरो से लेस, जीरो से लेस एफ एक्स क्या, साइन एक्स अपॉन एक्स। बच्चों साइन पिछली एक दो क्लासेस में शायद मैंने बताया होगा कि साइन फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस। एक्स इज ऑल्सो, एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल भी क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। दो कंटीन्यूअस फंक्शंस का डिवीजन क्या होता है, कंटीन्यूअस, हेंस दिस इज कंटीन्यूअस। तो वो लिखोगे सिंस साइन एक्स, सिंस साइन एक्स एंड एक्स, साइन एक्स एंड एक्स बोथ आर कंटीन्यूअस, बोथ आर कंटीन्यूअस, एंड डिवीजन ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शंस में डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए भाई, जीरो नहीं होना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ जरा, डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक जीरो से छोटा है, एक जीरो की कोई है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। सो डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस, हेंस साइन एक्स अपॉन एक्स इज फोर एफ एक्स इज कंटिन्यूस। क्या होगा ये, कंटिन्यूस होगा। अगर बात आती है एक्स ग्रेटर देन जीरो की, इसका केस एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, सो एफ एक्स क्या है बच्चों, एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल होता है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस। बीइंग ए पॉलिनोमियल, बीइंग ए पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस, क्या ये है। देयरफॉर ये एफ एक्स क्या है, हर जगह कंटिन्यूस है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, ये लास्ट वाले जो दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर थ्री, तभी करने हैं जब क्वेश्चन में ये लिखा हो कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। लेकिन अगर ये लिखा हो कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन इज एट जीरो, तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना है। और अगर ये लिख के छोड़ दिया जाए डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, पॉइंट के बारे में कुछ नहीं कहा, तो फिर तीनों पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। यह हमें बोला है इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, बताओ क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है। सबसे पहले तो हम जीरो पे ही डिस्कस करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, बताओ क्या करें, फाइंड करो जल्दी से लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। अच्छा इसमें देखो एक्स जीरो को कहाँ से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से, सो एक्स जीरो के इक्वल नहीं है, एक्स जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, जीरो के इक्वल नहीं है मतलब जीरो से छोटा है, जीरो से क्या है, छोटा है। अगर जीरो से छोटा है इट मीन्स जीरो के इक्वल नहीं है, तो फिर कौन से डेफिनेशन फॉलो करेंगे, ये वाले डेफिनेशन फॉलो करेंगे बच्चों, दिस इज इक्वल टू। अब आप एक्स को जीरो डालोगे तो ये कितना बन गया, जीरो इंटू साइन ऑफ वन बाई जीरो। अब एक बात बताओ मुझे, जीरो इंटू साइन वन बाई जीरो, साइन का, साइन की वैल्यू क्या होती है, ये आंसर तो जीरो आएगा, ठीक है, ये आंसर तो क्या आएगा, जीरो आएगा। इंटू साइन ऑफ एनीथिंग, साइन ऑफ एनीथिंग क्या होता है, साइन ऑफ एनीथिंग, साइन का कुछ भी हो माइनस वन से वन के बीच में आएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी सम फाइनाइट नंबर, सम फाइनाइट नंबर बिटवीन माइनस वन एंड वन, माइनस वन एंड
between minus 1 and 1. Some finite number between minus 1 and 1. This is equal to, क्या होगा ये? For finite number होगा minus 1 से 1 के बीच में. और 0 into some finite number क्या होता है? 0 होता है. उसके बाद RHL limit. RHL में भी हमें यही करना पड़ेगा. X approaches to 0 plus. डेफिनेशन तो सेम लेंगे RHL में भी, और आई थिंक आपको अब तक तो पता हो गया होगा RHL में ये सेम डेफिनेशन क्यों लेंगे. एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एक्स, दैट इज जीरो इंटू फिर से वही सम फाइनाइट नंबर बिटवीन माइनस वन एंड वन, अगेन इट इज जीरो. क्या सम फाइनाइट नंबर बिटवीन माइनस एंड वन, वन एंड वन, सम फाइनाइट नंबर, सम देखो एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या होगा? वो तो ऑलरेडी गिवन है जीरो. सो जीरो पे तो ये कंटिन्यूस होगा. दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. लेकिन क्वेश्चन में ये बोला था बच्चों कि इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, इसका मतलब इसमें आ गया जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हर जगह डिस्कस करना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हर जगह डिस्कस करना है. सो फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, फॉर एक्स लेस देन जीरो एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो, इन दोनों के लिए एंड नहीं भी बीच में से, और एक्स ग्रेटर देन जीरो और लगाओ बीच में, फॉर एक्स लेस देन जीरो और x ग्रेटर देन जीरो. देखो बच्चों x जीरो नहीं होगा, जीरो से छोटा होगा या जीरो से बड़ा होगा, जीरो पे हम डिस्कस कर चुके हैं. इफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो देन एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्र इंटू साइन वन बाई एक्स, एक्स स्क्र इंटू साइन वन बाई एक्स. और एक्स स्क्र पॉलिनोमियल होता है. एक्स स्क्र क्या होता है? पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं. साइन x मैं आपको बता चुका हूँ साइन एक्स क्या होता है. साइन एक्स, साइन एंड कॉस आर ऑलवेज कंटिन्यूस, साइन और कॉस हमेशा कंटिन्यूस होते हैं. ठीक है, साइन एंड कॉस भी कंटिन्यूस है, एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस है, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस. ठीक है, लिख दोगे इसको एक्स स्क्वायर इज ए बींग ए पॉलिनोमियल कंटिन्यूस है. एक्स स्क्वायर बींग ए पॉलिनोमियल, बींग ए पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस. ठीक है, साइन ऑफ वन अपॉन एक्स, साइन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस. साइन ऑफ वन अपॉन एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस है. एंड प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस, टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस. हेंस हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस. ठीक है बच्चों, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस. तो कोई ऐसा पॉइंट बचा ही नहीं जहां पर ये कंटिन्यूस नहीं हो. दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर. हर रियल नंबर के लिए फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है. हर रियल नंबर के लिए फंक्शन कैसा है बच्चों? कंटिन्यूस है. ठीक है, चले आगे. नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव को आप अपने आप से करेंगे. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले चल आ रहा चल निकालना है. 31 में देखो, 31 से पहले बच्चों ये एक थ्योरम है हमारे पास. थ्योरम
पेज नंबर 9 बुक में, हाँ 115। ये कहता है बच्चों देखो, सपोज एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ कैसा एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? रियल वैल्यूड फंक्शन है। एफ एक्स क्या है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ एक्स क्या है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन वो होते हैं जिनका डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर। एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। जी भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब एफ और जी दोनों ही रियल वैल्यूड फंक्शन है। सच दैट जो जी ऑफ एफ फंक्शन है, जी ऑफ एफ इज डिफाइंड एट, जी ऑफ एफ इज डिफाइंड एट सी। सी कोई पॉइंट है और सी ऑफ एफ पॉइंट पे जी ऑफ की एक फाइनाइट डेफिनेट वैल्यू आती है, अनडिफाइंड नहीं है उस पॉइंट पे। जी जो फंक्शन है आपका, एफ ऑफ जी लिया, एफ ऑफ जी इज डिफाइंड एट सी एंड g इज कंटिन्यूअस एट c। g फंक्शन क्या है? g इज कंटिन्यूअस एट c, g इज कंटिन्यूअस एट c एंड f इज कंटिन्यूअस एट g c, देन g ऑफ f, सॉरी f ऑफ g will continuous at c। देखो बच्चों को क्या थ्योरम है, देखना भाई। ये यहां से यहां तक कोई फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? g। यहां से यहां तक दूसरा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? f। जी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसमें मैप हो रही है? मान लो ये क्या है, ये वन है, और जी वन का जो आंसर आता है, जी वन का आंसर कितना आता है बच्चों? फोर। जी वन का आंसर कितना आता है? फोर। जैसे कि मैं जी फंक्शन को डिफाइन कर दूं, जी फंक्शन को मैं डिफाइन कर दूं जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो आप जी वन फाइंड करोगे तो क्या आएगा? फोर आएगा। आप जी वन फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? 3 × 1 + 1 = 4, राइट। जी कोई फंक्शन है और 1 के ऊपर उसकी वैल्यू कितनी है? 4। अब मैं दूसरा फंक्शन f डिफाइन करता हूँ, f फंक्शन में डिफाइन करता हूँ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 4 की इमेज क्या होगी? 16। 4 की इमेज क्या होगी? 16। समझ आया, ठीक है। f ऑफ 4 कितना होगा? 16। तो बच्चों ये तो पॉइंट आपका सी, ये वन क्या है? सी है। और ये जो फोर है ये क्या है? फोर क्या है? फोर है बच्चों जी वन। फोर क्या है? जी वन। जी वन ही है ना फोर। जी वन कहूं और अगर मैं वन को सी कहता हूं तो इसको जी सी कह देता हूं, जी सी कह देता हूं। मतलब ये फोर क्या है आपका? जी सी है, राइट। जी सी है ये। अच्छा ये वैल्यू क्या है? एफ ऑफ फोर है, ये एफ ऑफ फोर है। फोर को मैं जी सी कह सकता हूँ? फोर को मैं जी ऑफ सी कह सकता हूँ या नहीं? फोर को क्या मैं जी ऑफ सी कह सकता हूँ? तो ये बन गया एफ ऑफ जी सी, राइट। अब क्वेश्चन में ये कहा है ये जो जी फंक्शन है इस वाले पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, सी पॉइंट पे। थ्योरम में ये कहा हुआ है कि जो जी फंक्शन है वो सी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, मतलब जी फंक्शन की आप सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालोगे और फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तीनों इक्वल आएंगे। इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, सी समझो या वन समझो, सी पॉइंट पे जी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल आएंगे।
जी सी का मतलब है फोर, या फोर का मतलब जी सी। दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट, ये जी सी भी कोई नंबर तो होगा, कोई पॉइंट ही तो होगा। इस पॉइंट पे यानी कि फोर पे एफ फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या है इक्वल, राइट। यानी कि एफ फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो कहता है कि जो एफ ऑफ जी बनेगा ना, एफ ऑफ जी फंक्शन बनेगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक एफ ऑफ जी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक बनेगा, ए सेट से सी, सी सेट तक बनेगा, ये बी है। एफ ऑफ जी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक बनेगा, ए सेट से सी तक। कैसे डिफाइन होता है ये देखो जरा एक बार, एफ ऑफ जी कैसे डिफाइन होता है। एफ ऑफ जी मान लो आप, मैंने बोला ना कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, यहाँ तक। अगर आप वन की इमेज निकाल रहे हो तो कैसे निकलेगी, एफ ऑफ जी ऑफ एफ वन, दिस इज इक्वल, पहले इस पे बच्चों ऑपरेट होगा जी, तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा। पहले इस पे कौन ऑपरेट होगा, जी ऑपरेट होगा, अंदर से स्टार्ट होगा। जी वन की वैल्यू कितनी है बताओ जरा मुझे, जी वन की वैल्यू बताओ, जी वन की वैल्यू है फोर, तो ये बन गया एफ ऑफ फोर। और एफ फोर की वैल्यू बताओ, एफ ऑफ फोर कितना है, सिक्सटीन, कितना है सिक्सटीन। ऐसे आपका एफ ऑफ जी डिपेंड होगा। तो ये कह रहे हैं, ये जो आपका जी फंक्शन है ये वन पे कंटिन्यूस है, जी फंक्शन। एफ फंक्शन, एफ फंक्शन आपका कहाँ पर कंटिन्यूस है, फोर पे कंटिन्यूस है। तो जो आपका एफ ऑफ जी फंक्शन बनेगा वो वन पे कंटिन्यूस है। जी फंक्शन आपका कहाँ पर कंटिन्यूस है, वन पे। एफ फंक्शन आपका कहाँ कंटिन्यूस है, जी वन पे यानी कि फोर पे। तो जो आपका एफ ऑफ जी फंक्शन बनेगा वो भी वन पे कंटिन्यूस होगा, ठीक है, राइट। मतलब जी और एफ से जो जब कंपोजिट फंक्शन बनेगा वो भी इस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, वन पॉइंट वन पे, राइट। ये है तरह कि एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है, जी भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। जी कंटिन्यूस कहाँ पर है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जी कंटिन्यूस है। और जी सी की जो वैल्यू आती है, जी सी की जो वैल्यू आती है उस पॉइंट पे एफ कंटिन्यूस है। अगर ऐसा है तो एफ ऑफ जी जो फंक्शन बनेगा वो इस वन पे कंटिन्यूस होगा, करेक्ट। ये आपकी थ्योरम है। इस थ्योरम का कंक्लूजन हम अपने लिए क्या निकालें कि एफ कंटिन्यूस फंक्शन, जी कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये पूरा फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा, राइट। जी कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये पूरा फंक्शन भी क्या होगा, एफ ऑफ जी भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। समझ आया, जी आपका कंटिन्यूस फंक्शन है। अब चाहे वो किसी एक सिंगल पॉइंट पे हो, चाहे पूरे इंटरवल पे हो, अगर सिंगल पॉइंट पे है और इस इंटरवल के सारे पॉइंट्स पे जी कंटिन्यूस हो गया तो पूरे सेट पे ही कंटिन्यूस हो जाएगा। इसी तरह जी के जितने भी, जी सी की जितनी भी वैल्यू जाएंगी जो सारी सेट में है, उन सभी पे अगर एफ कंटिन्यूस हो जाए, उन सभी पे एफ कंटिन्यूस हो जाए, तो फिर ये जो एफ ऑफ जी फंक्शन है आपका, ये भी तो सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस हो जाएगा, राइट। सो अगर हम ऐसे दो फंक्शन ले लें जो एवरीवेयर कंटिन्यूस हैं, ऐसे दो फंक्शन ले लें जो एवरीवेयर कंटिन्यूस है, तो फिर एफ ऑफ जी तो हमेशा कंटिन्यूस हो जाएगा, करेक्ट। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये समझ आया हो तो ठीक है, अगर ये नहीं आया तो सिंपल ये समझ लो कि दो कंटिन्यूस फंक्शन से जो कंपोजिट फंक्शन बनता है वो कंटिन्यूस, दो कंटिन्यूस फंक्शन से जो कंपोजिट फंक्शन बनता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। देखो जरा, कंपोजिट का मतलब नहीं पता, एफ और जी से जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा वो या तो क्या होगा, जी ऑफ एफ होगा या फिर एफ ऑफ जी होगा, ठीक है। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, अब ये बताना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन, एक फंक्शन में इस एफ एक्स को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। मैं लेता हूँ जी एक्स, जी एक्स मैंने लिया एक्स स्क्वायर, और एक मैंने लिया एच एक्स, एच एक्स मैंने लिया कॉस एक्स, और सभी मेरे होनहार विद्यार्थी मुझे एच ऑफ जी निकाल के दिखाएंगे, एच ऑफ जी एक्स निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। आपने एच ऑफ जी फाइंड कर लिया, क्या आएगा बच्चों, देखो एच ऑफ, इसको ऐसे ऑपरेट करेंगे आप, जी एक्स
जी एक्स बताओ क्या आएगा, जी एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, जी एक्स क्या आएगा, एच स्क्वायर। अब यहां से फाइंड करो एच ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, अगर यहाँ एच एक्स के जगह एच में एक्स के जगह एक्स स्क्वायर डाल दें तो राइट हैंड साइड में भी एक्स के जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो बच्चों जी एक्स, अब जी एक्स के बारे में सुनो, एज एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर क्या होता है भाई, पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर क्या है, पॉलिनोमियल है, और हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, देयर फोर अगर पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस होते हैं तो जी एक्स क्या हो गया भाई, कंटिन्यूस, दिस इंप्लाइज जी एक्स इज कंटिन्यूस, जी एक्स इज, जी एक्स क्या है, कंटिन्यूस है। दूसरा ऑल्सो कॉस एक्स भी एवरी वेयर कंटिन्यूस होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कॉस हमेशा कंटिन्यूस होता है, कॉस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन, कॉस एक्स इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन, कॉस एक्स भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन, राइट, देयर फॉर एच एक्स इज कंटिन्यूस, दिस इंप्लाइज एच एक्स इज कंटिन्यूस, तो एच एक्स क्या है भाई, कंटिन्यूस है, राइट बच्चों, ये सब मुझे एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल था इसलिए कंटिन्यूस हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हमने जी एक्स लिया हुआ है इसलिए जी एक्स कंटिन्यूस हो गया, कॉस एक्स फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है इसलिए एच एक्स भी कंटिन्यूस हो गया, एंड वी नो दैट, एंड वी नो कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज ऑलवेज कंटिन्यूस, दो कंपोजिट फंक्शंस, दो कंटिन्यूस फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, देख रहे हो आप एच ऑफ जी, जी और एच का कंपोजिट फंक्शन है, एच ऑफ जी क्या है, जी और एच का कंपोजिट फंक्शन है, जिसके दोनों इंडिविजुअल फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, देयरफॉर देयरफॉर एच ऑफ जी इज कंटिन्यूस, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, यही तो एफ एक्स है, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 32, एफ एक्स इज इक्वल टू मोर कॉस एक्स, इस फंक्शन को मैं भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह से ट्राई करेंगे, सो मुझे ये बताओ इसमें एच एक्स और जी एक्स क्या लिए जाए, जी एक्स मुझे क्या लेना चाहिए, कॉस ऑफ एक्स, एच एक्स किसको ले लें, मॉड ऑफ एक्स को, जरा एच ऑफ जी निकाल के देखो क्या आता है, एच ऑफ जी निकाल के देखो क्या आता है, एच ऑफ जी एक्स, सो दिस इज एच ऑफ जी एक्स क्या होगा बच्चों, कॉस एक्स, कॉस एक्स, एंड एच ऑफ कॉस एक्स क्या होगा,
देखो एच फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर के लिए निकालते हैं, किसी भी किसी के लिए भी इसको आप ऑपरेट करते हो तो वो उसके ऊपर मोड लगा देता है। सो कॉस के लिए निकालोगे तो क्या करेगा ये, कॉस के ऊपर मोड लगा देगा। यही है एच फंक्शन का काम। एच ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। सो एच ऑफ जी, एच ऑफ जी क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, किस किस का, जी और एच का। अब हमें बस ये प्रूव करना है कि ये एच और जी दोनों कंटिन्यूअस है। यही हमारा एफ एक्स है। अगर एच ऑफ जी कंटिन्यूअस हो गया तो एफ एक्स भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। और एच ऑफ जी कब कंटिन्यूअस होगा, जब एच एंड जी कंटिन्यूअस होंगे। सो बस आपको ये प्रूव करना है कि एच एंड जी कंटिन्यूअस है। कैसे, देखो बच्चों, कॉस एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। कॉस एक्स कई देर से इसके बारे में बात करते रहे, साइन और कॉस एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। कॉस एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। कॉस एक्स कैसा है, ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। कॉस एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, हिंस जी एक्स इज कंटिन्यूअस, हिंस जी एक्स इज कंटिन्यूअस। इसलिए कॉस एक्स, देखो जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस दिस, कैसे करो, नहीं मॉड फंक्शन वैसे ही कंटिन्यूअस होता है। देखो इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा बच्चों पहले। कैसे रीडिफाइन, कैसे करोगे, मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है, एंड एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मॉड एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स होता है, कब, जब एक्स जीरो से क्या हो, छोटा हो। एंड एक्स, एक्स कब होता है, जब एक्स जीरो से बड़ा हो। मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, एंड मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, करेक्ट। ये मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है। मतलब जो ये हमारा फंक्शन है मॉड एक्स, क्या होगा ये, जीरो से स्मॉलर पॉइंट्स के लिए, जीरो से स्मॉलर पॉइंट्स के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स होगा, ठीक है, जीरो से स्मॉलर पॉइंट्स के लिए। और जीरो और जीरो से ग्रेटर पॉइंट्स के लिए क्या होगा, ये एक्स होगा, राइट। उसके बाद अगर सेम डेफिनेशन हम इसके ऊपर अप्लाई करें, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन क्या होगा बताओ जरा, ये होगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, कब, अगर एक्स प्लस वन क्या हो, जीरो से लेस, यानी कि या यूं कह सकते हैं एक्स इज लेस देन माइनस वन, माइनस वन से लेस पॉइंट्स के लिए क्या होगा, ये माइनस वन से छोटे पॉइंट्स के लिए क्या होगी इसकी वैल्यू, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, राइट। एंड मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन के बराबर कब होगा, जब ये अंदर की टर्म क्या होगी, जीरो से बड़ी, यानी कि एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि आप कह सकते हो कि एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, ये डेफिनेशन होंगी। ठीक है, देखो जरा क्या आया, माइनस वन से स्मॉलर पॉइंट्स के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, और इससे ग्रेटर पॉइंट्स के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस वन, ठीक है। सो ये बताओ माइनस वन से पहले दोनों फंक्शंस की वैल्यू क्या है, मॉड एक्स की वैल्यू क्या है और मॉड ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या है, माइनस वन से पहले एक की माइनस एक्स है और दूसरे की क्या है, ठीक है, यानी कि एफ एक्स क्या आ गया, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है,
इतनी है माइनस एक्स, माइनस में ये बीच का माइनस लगाया मैंने, इसकी वैल्यू क्या है ये, तो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ एक्स प्लस वन, किसके लिए, इस पॉइंट से स्मॉलर लेफ्ट पॉइंट से लेफ्ट साइड वाले पॉइंट्स के लिए एक्स लेस देन माइनस वन के, ठीक है। माइनस वन से वन के बीच में जो पॉइंट्स हैं, माइनस वन से वन के बीच में जो पॉइंट्स हैं उनके लिए क्या होगा, माइनस वन से वन के बीच में जो पॉइंट्स हैं उनके लिए क्या होगा, माइनस ऑफ, देखो इस वाले फंक्शन की वैल्यू क्या है माइनस एक्स, इन इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये तो पूरा क्या है माइनस एक्स है ना, तो इसके लिए तो लेंगे माइनस एक्स, और इसके लिए क्या लेंगे, तो यहाँ तो रखेंगे माइनस एक्स, बीच का माइनस तो लगेगा ही लगेगा, और इसके जगह क्या रखेंगे एक्स प्लस वन, ठीक है। ये किसके लिए है, माइनस वन से जीरो के बीच के लिए, माइनस वन से सॉरी माइनस वन से वन के लिए, माइनस वन से वन के, ठीक है। उसके बाद बचता है हमारे पास, लिख लिया यहाँ तक, इसके बाद क्या है वन से ग्रेटर पॉइंट्स के लिए, वन से ग्रेटर पॉइंट्स के लिए, वन से ग्रेटर पॉइंट्स के लिए क्या है, वन से ग्रेटर पॉइंट्स के लिए ये जो नीचे वाला फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या है एक्स, और ऊपर वाले की क्या है, यानी कि एक्स बीच का माइनस और एक्स प्लस वन, ये किसके लिए है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए, क्या बन गया अभी आप ऐसा कह सकते हो एफ एक्स क्या बना, देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये दोनों कट हो गए, क्या बचा वन, किसके लिए एक्स लेस देन माइनस वन के, यहां पर ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा माइनस का टू एक्स और माइनस वन, माइनस टू एक्स माइनस वन, माइनस वन इज लेस देन एक्स लेस देन वन के लिए, और यहां पर ये दोनों कट हो जाएंगे, क्या बचेगा माइनस वन बचेगा फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए, ये। अब अगर तुम्हें ऐसा फंक्शन दे दिया जाए तो इसकी कंटिन्यूटी पर डिस्कस कर ही लोगे, ये तो हम बिगनिंग से करते ही आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से करना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। पहले हम माइनस वन पे इसकी कंटिन्यूटी निकालेंगे, माइनस वन पे ये क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन इस वन से निकलेगी, राइट हैंड लिमिट यहां से निकलेगी, ठीक है। फिर देखेंगे कि ये माइनस वन, ये माइनस वन पे ये कंटिन्यूस है कि नहीं, फिर वन पे भी चेक करेंगे, वन पे देखेंगे कि कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक है, करवाओ ये आगे। एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन पे एल एच एल आर एच एल निकालो, करके दिखाओ जरा, ठीक है।
फंक्शन की वैल्यू माइनस वन पे कहाँ से निकलेगी भाई, इक्वल टू यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से निकलेगी माइनस टू एक्स माइनस वन, माइनस टू इंटू माइनस वन, माइनस वन, टू माइनस वन, वन आए, तो माइनस वन पे एल एच एल आर एच एल, यहाँ पे माइनस लगाओ, माइनस फाइव, माइनस वन पे एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है, इक्वल है, एट माइनस वन एल एच एल, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट माइनस वन. This implies fx is continuous at x is equal to minus 1. Minus 1 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है. ठीक है, करो वन पे भी करके दिखाओ, एट एक्स इज इक्वल टू वन, एट एक्स इज इक्वल टू वन एल एच एल क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस, कौन सी वैल्यू लेंगे इसमें, ये माइनस टू एक्स माइनस वन, एक्स को वन डालेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, थ्री. आर एच एल क्या होगी, आर एच एल क्या है, माइनस वन, ठीक है. आर एच एल कहाँ से आएगी, यहाँ से, तो इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा. एक बार पीछे आंसर में चेक करना है, ये यहाँ पर थोड़ा डिसकंटिन्यूस आएगी, चेक आंसर क्या किया, कंटिन्यूस आना चाहिए, गड़बड़ इसीलिए मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था. देखो यहाँ पर गड़बड़ हुई, यहाँ पर क्या था, ये माइनस ऑफ एक्स प्लस वन था, ये हमने सारा ही उल्टा क्यों लिख दिया, सारा ही उल्टा क्यों लिख दिया, यहाँ पर माइनस लेना था जो हमने नहीं लिया, है ना, यहाँ पर प्लस लेना था, पर यहाँ ऊपर भी तो माइनस था, ठीक लिया हुआ, तो वैसे उसके अकॉर्डिंग लिया हुआ, माइनस दो बार माइनस था प्लस हो गया, कैंसिल हुआ, यहाँ से वन आया था. माइनस वन के बाद ये चेंज हो गया था, माइनस टू एक्स माइनस वन ये भी ठीक था, माइनस वन ये भी ठीक है. ये जीरो था भाई सेकंड वाला पॉइंट, ये जीरो था, ये पॉइंट जीरो था, ठीक है, ये जो सेकंड वाला पॉइंट था जहाँ पर मोड एक्स ने अपने डेफिनेशन चेंज की थी वो क्या था, जीरो, ठीक है, ये वाला पॉइंट जीरो था, ये वाला पॉइंट क्या है, जीरो है, यहाँ जीरो करो, जो आर एच एल निकलेगी वो जीरो पे निकलेगी, यहाँ डालेंगे तो माइनस वन आएगा, ठीक है, एक्स को यहाँ जीरो डालोगे तो माइनस वन आएगा, यहाँ जीरो लोगे, और आर एच एल में भी, आर एच एल क्या आएगी, आर एच एल देखो क्या आएगा, माइनस वन, आर एच एल भी माइनस वन आएगा, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी जीरो के ऊपर, फंक्शन की वैल्यू जीरो पे यहाँ से निकलेगी, क्या है वो, माइनस, तो तीनों इक्वल आ गए, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जीरो, तो ये फंक्शन कैसा हुआ, जीरो पे भी कंटिन्यूस है और माइनस वन पे भी कंटिन्यूस है, ठीक है, सो कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, दिस इम्प्लाइज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दोनों पॉइंट्स पे ये क्या है, कंटिन्यूस है, माइनस वन पे भी कंटिन्यूस है और जीरो पे भी कंटिन्यूस है.